हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसकी हेल्प से आप सर्दियों के मौसम में भी वाइट एंड ब्राइटन स्किन पा सकते हैं, ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों की जो स्किन होती है वो ड्राई रहती है, फटी फटी रहती है, स्किन का ग्लो चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन ग्लोइंग और शाइनी लगे तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन से दाग धब्बों को, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो आपको इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून मिल्क। आपको इसमें कच्चा दूध लेना है यानी रॉ मिल्क लेना है। आपको इसमें 1 चम्मच मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, डीपली क्लीन करेगा और स्किन से दाग धब्बे, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आलमंड ऑयल ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि ये क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। जैसे कि मार्केट की नॉर्मल क्रीम होती है, इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे वैसे ये बहुत ज़्यादा थिक होती जाएगी, जैसे मार्केट की क्रीम होती है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक मार्केट की क्रीम की तरह हो गई है। और इसको आप कम से कम 1 वीक तक इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो आप बाहर भी इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो कम से कम 15 डेज तक ये ईजिली चल जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एक फेस पैक का काम करेगी। अगर आप इसे रोज़ अप्लाई करोगे, आप इसे नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट में अप्लाई करके आप इसे सो जाएं, या फिर आप इसे डे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। आप इसे अपने पूरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अगर आप इसे रात में लगा रहे हैं तो अच्छे से मसाज करते हुए आप इसे अपनी पूरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लीजिए। और अगर आप इसे दिन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद इसे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है और फिर नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपको इसकी बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे रात को सोने से पहले अप्लाई करें और उसके बाद इसे पूरी ओवरनाइट आप इसे छोड़ दीजिए और सुबह अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग हो गई है। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है। मिल्क आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन की ड्राइनेस दूर करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। उसके बाद मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है, आलमंड ऑयल ऐड किया है। आलमंड ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और एलोवेरा जेल स्किन से दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो आप अच्छे से अपने फेस की मसाज कीजिए और आप इसके पहले यूज़ में देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गई है और स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे। अगर आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे डेली यूज़ कीजिए। जो भी आप पैक अप्लाई कर रहे हैं, जो भी क्रीम अपने यूज़ पर फेस पर यूज़ कर रहे हैं, आपको उसे डेली यूज़ करना है। इससे ही आपको आपके स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।